जाने के लिए जो तीन नाली है तीन गेट से राजभवन और 0.43 से गुम्फा मोबाइल ऐप्स को खोल के डिटेल भी देख सकेगा सर। तो रो ये है उसमें जो जैसे अभी जो एडमिन इंस्पेक्टर चक्कर में बार बार रिपीटेटिव पोस्ट आता है आपको स्पीकर ऑन करा दो। अभी राजभवन मेन गेट को ऑन करेगा सर। इसको अभी राजभवन को ऑन कर रहा है। ये राजभवन इसमें सर आइस कॉलोनी भी इंक्लूड है और ये हेलीपैड तक देखिए तो इलेक्ट्रिसिटी इज हमारा जो डेवलपमेंट इंडेक्स में ना जो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप इंडेक्स नंबर में आता है। जैसे रोड कम्युनिकेशन है आपका इलेक्ट्रिसिटी है वाटर सप्लाई है इसी तरह का डेवलपमेंट इंडेक्स में इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने से कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी होने से इंडस्ट्री आएगा क्या आएगा तो ये डार्कनेस को अभी स्ट्रीट लाइट क्यों देता है? स्ट्रीट लाइट इसलिए देता है कि वहाँ डार्कनेस नहीं होना है। लोगों का जो पासर बाय के लिए इजी आना जाना यातायात का सुविधा होना चाहिए। इस तरह का जो सुविधा है सभी सुविधा हम धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश में ला रहा है। इस तरह का स्मार्ट स्ट्रीट यह भी स्मार्ट स्ट्रीट है। ये ऑर्डिनरी लाइट नहीं है स्मार्ट सिटी स्ट्रीट लाइट है। मैंने क्या जवाब दिया? मैंने यही जवाब दिया कि अरुणाचल प्रदेश में एज पर सौभाग्य एज पर दीनदयाल उपाध्याय सभी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो ग्रिड लाइन जो ट्रांसमिशन है ऑल अरुणाचल प्रदेश में ट्रांसमिशन लाइन नहीं है लेकिन 100% इसीलिए हो गया है इलेक्ट्रिफिकेशन कि जहाँ जहाँ ट्रांसमिशन नहीं लग गया है वहाँ हम सोलर लाइट दे दिया है। सोलर लाइट देने का वजह से आप अभी जो जहाँ जहाँ लाइट नहीं जाता बोलता है जो सोलर लाइट जब बारिश ज़्यादा होता है कि अरुणाचल प्रदेश इज हैवी रेनफॉल है जो स्टेट है तो इसीलिए कभी कभी डिस्टर्ब होता है तो वहाँ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाता है वो प्रॉब्लम है। लेकिन आने वाले जल्द से जल्द अभी RDSS में और हमारा जो अभी क्या कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम में 2000 किलोमीटर का हम ये जो ट्रांसमिशन लाइन बनने वाला है वो जब बन जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश का पूरा जो ट्रांसमिशन लॉस है वो भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ तो सब सॉल्व हो जाएगा तो जो गांव-गांव में ये सुविधा आ जाएगा जल्द से जल्द आ जाएगा ट्रांसमिशन एंड RDSS में हम पूरा का पूरा जो सुविधा करेगा गांव में। अभी अरुणाचल प्रदेश में विकास बहुत जोरदार आ रहा है। आप देखा है कि रोड कम्युनिकेशन में हो रेलवे कम्युनिकेशन में हो एयर कम्युनिकेशन में हो IT कम्युनिकेशन में हो सभी में बहुत तेज़ी से आ रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी में भी आप जो बोला है कि पावर हाउस अरुणाचल प्रदेश इज नॉन एज ए पावर हाउस है कि नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का पावर हाउस तो वो अभी बहुत ज़ोर से अभी दिबांग मल्टीपर्पज़ जो है भारतवर्ष में सबसे बड़ा 2880 मेगावाट का अभी काम शुरू हो गया। LNT को काम दे दिया है 1600 करोड़ का काम दे दिया है। अभी ग्राउंडेड हो जाएगा। अभी कल परसों दिल्ली में मैं CMD NSPC से बात हुआ है। CMD NSPC CMD NIPCO और CMD Tehri Dam से ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से बात हुआ है कि ये
ये पीछे आने वाले 6 महीना में हमारा 6 जगह में ये काम जो ये बहुत सा जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। ये हमारा जो है ये अभी मैं आपको ये सूचना देता हूँ। तो इसलिए आने वाले समय में हम सरप्लस, तो ऐसे भी अभी भी सरप्लस है, लेकिन सरप्लस होने के बावजूद हम दोनों को देगा और हम 12% जो फ्री पावर है उससे हमारा जो रेवेन्यू भी बहुत बढ़ेगा और लोकल एरिया डेवलपमेंट भी बहुत हो, एज ए लोकल एरिया डेवलपमेंट भी बहुत होने। ये आज जो हम लोग लॉन्च किया है स्मार्ट लाइटिंग का है, इथान में स्मार्ट लाइटिंग जो हम लोग का ऑलरेडी ऑपरेशनल है चन्ना नगर से लेके पापू नाला तक, और ये स्मार्ट लाइट है। और अभी जो हम लोग 6 न्यू लोकेशंस पे स्ट्रेच पे डाला है, आज हम लोग उसको इनोग्रेशन किया है। तो हमारा मोबाइल एप्स, न्यूली मोबाइल एप्स जो डेवलप हुआ है, अभी जो है सिंगल मोबाइल ऐप से सारा स्ट्रीट लाइट कंट्रोल कर रहा है। और वही है आज का जो डिफरेंस है, स्मार्ट लाइट है लेकिन इसको हम लोग सिंगल मोबाइल ऐप से सारा इसी में लोकेशन वाइज हम लोग डाल करके इसको हमने सिंगल मोबाइल ऐप से पूरा ऑपरेशनल लाया है। और ये बाकी टाउन में भी, अदर टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी बाद में इसी मोबाइल ऐप्स पे, सिंगल मोबाइल ऐप से सारा लिंक होगा ताकि हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग इजी रहे। और एक ही मोबाइल ऐप से आप सारा होल अरुणाचल प्रदेश का स्मार्ट वर्किंग को देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है। और यहाँ से हम सारा सुविधा ही सुविधा है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ में कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि स्मार्ट लाइट डालने का हर लोकेशन में स्मार्ट लाइट डालेगा उसका स्मार्ट बनाने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो वो हर जगह में कॉस्ट इन्वॉल्व रिपीटेटिव जो होता है वो अभी हमें सिंगल हो जाएगा। और ये कॉस्ट इफेक्टिव है और इसके लेके मॉनिटरिंग परपोज कंट्रोलिंग सारा इन्फॉर्मेशन MIS एक ही जगह से मिल जाएगा। यही बेनिफिट है जहाँ में रिपीटेटिव कॉस्ट नहीं आएगा जो स्मार्ट बनाने के। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होगा इसका टोटल ऐप का? हमारा यहाँ में मेरा ऐप्स जो बनाया है सर 18 लाख या 18 to 20 lakhs होगा। अभी अलग डिस्ट्रिक्ट में भी करेंगे आगे? अभी हम लोग का ऑलरेडी तवांग में बम, तवांग है, नामसाई है, सपा है आपका, और कौन था, तवांग बोमदिला नो तवांग सपा नामसाई चांगलांग अभी कंप्लीशन है। ये वाला भी यहीं से अभी हम यही मोबाइल ऐप्स में लिप करें और यहाँ से आपको ओपन इतान में बैठ के कहीं में किसी पार्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बैठ करके आप मॉनिटरिंग कर सकता है, स्विच ऑन ऑफ देख सकता है। और इसमें सबसे अच्छा ये है कि कोई भी फॉल्ट हो जाएगा आपको SMS अलर्ट मिलेगा और आपको ईमेल अलर्ट मिलेगा, मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो जाता है। आज जो है लाइट जो लॉन्च किया है दीप्ति CM ने ईटानगर में 6 जगह में, और ये जो है हमारा जो आपका चंद्र नगर से पोपू नाला तक जो 4 लेन है वो 2 साल पहले लॉन्च किया हुआ है, वो आज तक अच्छा खासा चल रहा है। और आज जो है बाकी जो है 6 जगह ईटानगर में फिर लॉन्च किया है जो रोड है, तो इसको देखते हुए मैं आज भी डिप्टी CM साहब से हम अपील किया कि मेरा नाहर लोगों में और काफ़ी सेक्टर रोड में भी इसका जल्द से जल्द स्मार्ट लाइट इम्प्लीमेंट करना है बोलकर रिक्वेस्ट किया है। इन्होंने बहुत ज़रूर करेगा और ईटानगर को यह अपना कैपिटल है, कैपिटल सिटी है, इसको ठीक करना अच्छा करना सरकार का ड्यूटी है और ज़रूर करेगा बोला है। और मैं ईटानगर का जो माता पिता है, भाई बहन है, उन सभी से हम बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आज हम काफ़ी सेक्टर में सड़क पे हमारा भरपूर शाम का 5 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक लाइट मिलेगा रास्ता में। तो जो है ये हो पाया है कि जो अरुणाचल का जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है और पेमा खांडू साहब का उनका जो आशीर्वाद है, और जो हमारा दीप्ति CM है, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन लीडर भी है, हमारा चौनामेन साहब का फाइनेंस प्लानिंग मिनिस्टर भी है और वो पावर मिनिस्टर भी है, उनका जो आशीर्वाद से जो भी हम मेरा तिनोर में जो भी सरकार से जो मंगा है वो दोनों ने दिया है। आज मेरा मैक्सिमम सेक्टर रोड जो है CC पेमेंट रोड में ये हुआ
और मैक्सिमम रोड 60-70% बन चुका है और मैं आगे वो आशा रखूँगा कि हमारा जो आज लेकर 6 सेक्टर में 6 रोड में वो लाइट का जो प्रबंध किया है और मैक्सिमम जो सेक्टर रोड बचा है उसका भी आज भाषण दिया कि हमने रिक्वेस्ट किया भाषण दिया कि वो जरूर करेगा और मैं आशा रखूँगा कि सबको इसका आनंद लेगा। ईटानगर का जनता जरूर इसका